तो गाइज आपको हम इस वीडियो में हरियाणा के टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के नाम बताने वाले हैं। इसके अलावा साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो पॉलिटेक्निकल आपको हम इसके अंदर बता रहे हैं उसके अंदर प्लेसमेंट कितनी अच्छी हुई है, कौन कौन सी कंपनी आई है, पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में बटन प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर आपके जुबान पर नाम आ जाता है गुरु ब्रह्मानंद GBN गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नीलोखेड़ी, जो कि करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ती है। सबसे पहले ये टॉप 10 के अंदर नंबर 1 पे आती है और नंबर 2 पे हमने रखा है अंबाला को। तो ये नंबर 1 नंबर 2 पे दोनों आपस में चेंज होती रहती है, इन दोनों पॉलिटेक्निकल में कंपनियां बहुत आती हैं। तो सबसे पहले ये आपकी पॉलिटेक्निकल है, इसका ओवरव्यू आप देख लीजिए, इस प्रकार इसका ओवरव्यू है। यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा भी किया था जो कि 2 साल का था लेटरी एंट्री बेस पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको प्लेसमेंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लेसमेंट का ऑप्शन, ये रहा प्लेसमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लिस्ट ऑफ रिक्वायरिंग पर क्लिक करता हूँ कि कितनी कंपनी यहाँ पर इस नीलोखेड़ी में आई है GBN पॉलिटेक्निकल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल मारुति सुजुकी गुड़गांव में जो प्लांट है वो कंपनी आई थी, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आई थी, टाटा हिताची आई थी, इज्जत कंपनी आई थी जो कि यमुनानगर में है, इसके अलावा फरीदाबाद की BCH कंपनी आई थी, इंटरनेशनल तंबाकू कंपनी आई थी, जिंदल स्टील जो कि हिसार की कंपनी है वो कंपनी यहाँ पर आई थी, और मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं हीरो मोटर क्रॉप कंपनी आई जो कि न्यू दिल्ली के अंदर प्लांट है, बजाज ऑटो कंपनी आई थी जो कि पुणे के अंदर है। ये सारी कंपनियाँ थी जो कि लास्ट ईयर आई थी GBN पॉलिटेक्निकल में, और अच्छी जगह प्लेसमेंट स्टूडेंट का हुआ है और पैकेज भी अच्छा लगा है। ये अच्छी पॉलिटेक्निकल है, अगर आपको इसके पॉलिटेक्निकल अंदर आपको एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए दी बेस्ट है। सेकंड पर हमने रखा है यहाँ पर अंबाला सिटी के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, ये बॉयज़ और गर के दोनों के लिए है। तो इस पॉलिटेक्निकल का जो व्यू है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर होम पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखिए इसका जो व्यू है, जो फोटोज़ हैं कॉलेज की और टीचर की, कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा ये कॉलेज। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आता है प्लेसमेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है प्लेसमेंट स्टेटस ऑफ लास्ट 4 ईयर का, तो हम यहाँ पर आपके सामने क्लिक करते हैं। तो आप देखिए 2016-2019 के अंदर जो भी कंपनियाँ यहाँ पर आई थी और कितने बच्चे और कितने ब्रांच थी, यानी ट्रेड के हिसाब से बच्चों को लिया गया था कंपनी के अंदर, प्लेसमेंट कितने परसेंट हुई थी। तो ये 2017-2020 का है, और इसको रीड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लेटेस्ट देख लेते हैं 2019 से 2022 का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है ब्रांच नेम, यानी आर्किटेक्चर, ऑटो, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक। तो इसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि ये ट्रेड काफ़ी अच्छी हैं। तो जो कि स्टूडेंट थे वो 120 स्टूडेंट ने यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दिया था, जिसके अंदर एलिजिबल जो स्टूडेंट थे वो 19 हुए थे, 31, 54, और नंबर ऑफ ऑफर जिन स्टूडेंट को 19 में से 5 को मिला था, यानी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा था और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, तो इतनी परसेंट प्लेसमेंट हुई थी। और लास्ट में देखो प्लास्टिक की जो कंपनी आई थी, प्लास्टिक बच्चों को ले गई थी जिन्होंने प्लास्टिक डिप्लोमा इंजीनियर किया हुआ था, तो 100 के 100% यहाँ पर बच्चे गए थे। तो इस प्रकार का स्टेटस रहा है अंबाला सिटी का। तो ये भी पॉलिटेक्निकल अपने आप में बहुत अच्छी है, और एक पॉलिटेक्निकल है अंबाला सिटी के अंदर ही वुमेन की, यहाँ पर आप देख रहे हैं कल्पना चावला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, और इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि प्लेसमेंट कैसी हुई थी। तो हम यहाँ पर चलते हैं नीचे, अप्रेंटिस भी लगती है काफ़ी कंपनियों में, तो हम यहाँ पर सीधा प्लेसमेंट पे क्लिक करें जहाँ पर पैसा जो पैकेज है काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड प्लेसमेंट डाटा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कंपनी आई थी HCLC, और HCL कंपनी आई थी, ये सब कंपनियों के नाम हैं जैसे आप देख रहे हैं, डिजिटल डिजिटेक नोएडा के अंदर है, और ये 7 सीज, तो ये काफ़ी सारी कंपनियां जो कि आई, सैमसंग नोएडा के अंदर जो कंपनी है वो भी कंपनी इस कंपनी के अंदर आई थी, जो कि सभी गर्ल का यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ था। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर
फोर्थ नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सोनीपत में, तो ये सोनीपत में स्थित है और न्यू दिल्ली के टच में है सोनीपत। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं सीधा प्लेसमेंट में और सीधा प्लेसमेंट ट्रेनिंग कोर्स विजिट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कंपनी आई थी, एशियन पेंट कंपनी आई थी, टायर्स कंपनी आई थी, बजाज, होंडा, टाटा, एस्कॉर्ट, एचसीएल और हीरो साइकिल, सोनी, ये सब कंपनी लास्ट ईयर आई थी और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था सोनीपत की पॉलिटेक्निकल में। इस तरह का व्यू दिखता है गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निकल है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सोनीपत। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी मानेसर के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और मानेसर में आप देख ही चुके हैं, मानेसर के अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं। मानेसर जो है एक इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ पे तो आपको पता ही है कंपनी आती ही है, जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है वहीं पर पॉलिटेक्निकल है। तो हम यहाँ स्टूडेंट पे जाते हैं और प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कि कहाँ पर वो प्लेसमेंट है। तो अप्रेंटिस का ऑप्शन यहाँ पर है, प्लेसमेंट का मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ट्राई करना अपने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद सिक्स नंबर पर हम चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल वूमेन फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर आपको पता है हरियाणा का एक पार्ट है फरीदाबाद, एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट होती है। ये देखिए यहाँ पर आ ही चुका है, अभी प्लेसमेंट का थोड़ा सा चल रहा था तो अभी ये ऊपर चला गया। तो ये भी आपने आप में काफ़ी अच्छी यानी कि एक पॉलिटेक्निकल है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और प्लेसमेंट स्टेटस पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट पे चलते हैं और यहाँ पर प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं, ये बार बार हट रहा है, तो प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्लेसमेंट स्टेटस ये चला गया बार बार, तो दोबारा से क्लिक करते हैं और अब की बार नहीं इसको छोड़ेंगे, तो प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्लेसमेंट पे, यहाँ पे ये बार बार जा रहा है, तो अब की बार कोशिश करेंगे कि प्लेसमेंट पे क्लिक किया उसके बाद ये क्या हो रहा है, आई थिंक थोड़ा कुछ एरर आ रहा है। तो प्लेसमेंट पे क्लिक किया, आई थिंक हम यहाँ पर प्लेसमेंट पे गए और यहाँ से जंप किया, यहाँ पर आ गए, तो हम यहाँ पर करेंगे 2000 वाले बाई पे क्लिक, तो हमने इसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर 2022 पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर उठा नहीं रहा है, 21 पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो ये भी अब काफ़ी अच्छी पॉलिटेक्निकल है अपने हिसाब से। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल मंडी आदमपुर, ये आपका पंचकूले के अंदर पड़ता है और पंचकूले के टच में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंजाब का जो एरिया सटा हुआ है वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट की। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो मोहाली में आपको पता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी होती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार डाटा मुझे मिला है, तो उसको मुझे रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है 100% प्लेसमेंट टू ओवर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इतना डाटा नहीं दिया है, तो यहाँ पर दे रखा है डाटा, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि कितना परसेंट। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 100% प्लेसमेंट, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं 100% प्लेसमेंट ओवर, यानी जो इनके स्टूडेंट हैं उनका 100% प्लेसमेंट होता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो आठवीं पॉलिटेक्निकल के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आठवीं जो पॉलिटेक्निकल है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सिरसा, तो सिरसा के अंदर आपको पता है जिंदल स्टील कंपनी भी है, एक इंडस्ट्री एरिया भी है सिरसा, तो यहाँ पर ये जो प्लेसमेंट है इसमें हम चल जाते हैं, एक टॉप 10 के अंदर ये पॉलिटेक्निकल को हमने रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है प्लेसमेंट स्टेटस डाउनलोड, हम यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर डाटा है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टडी लिखी हुई है, जो एग्रीकल्चर वाइज इंजीनियर थे उनका प्लेसमेंट 2023 तक कैसा रहा, तो इतने परसेंट यहाँ पर बच्चे लिए गए थे। सिविल इंजीनियर का भी आपको देख सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, यानी कि कहने का मतलब अच्छी प्लेसमेंट हुई थी मैकेनिकल इंजीनियर का। उसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ पर नौवीं जो आपके पॉलिटेक्निकल है वो हमने रखा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल उमरी कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्रा के आसपास पड़ती है उमरी इलाका जो है, और ये भी ये जो पॉलिटेक्निकल है काफ़ी बेटर है, और ये नई पॉलिटेक्निकल है, पिछले 4-5 सालों से ये पॉलिटेक्निकल है, उससे पहले नहीं थी, ये नई पॉलिटेक्निकल कुरुक्षेत्रा के अंदर आई है।
ये नई पॉलिटेक्निकल है, पुरानी पॉलिटेक्निकल नहीं है। और इसके अंदर देख लेते हैं प्लेसमेंट कैसा रहा होगा। तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया प्लेसमेंट पर, तो इस प्रकार कुछ दिखा रहा है कि इसमें कुछ वायरस है। तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये इसे ओपन नहीं कर रहा है, यानी कि साइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छी पॉलिटेक्निकल है, जो कि प्लेसमेंट यहाँ पर एक ऑप्शन भी खुला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में। तो ये क्या होते जा रहा है, आई थिंक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है कुरुक्षेत्र की, जिसमें आप अच्छे तरीके से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन ले सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी पॉलिटेक्निकल है आप सभी के लिए। और ओवरव्यू कुछ ऐसा दिखता है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ओवरव्यू कुछ ऐसा दिखता है, ये स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं, टीचर हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे स्टडी कर रहे हैं। और इस तरह के 26 जनवरी अगस्त इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये आप देख ही सकते हैं इलेक्ट्रिकल का जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सर यहाँ पर नॉलेज ले रहे हैं। उसके बाद हमने अब रखा है आपके सामने यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, लास्ट में हिसार यहाँ पर रखा है, जो कि एक इंडस्ट्री एरिया भी है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस तरह का व्यू है। और अगर हम स्टूडेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऑप्शन ही खुलता है, प्लेसमेंट का ऑप्शन आई थिंक इसमें देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट का ऑप्शन कहाँ पर है। तो यहाँ पर आ चुका है, ये लास्ट जो हमने पॉलिटेक्निकल रखा है वो रखा है हिसार को। तो इसके अंदर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी हुई है। तो स्टूडेंट इसके अंदर ये यहाँ पर अबाउट में हमें मिल चुका प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं प्लेसमेंट कैसा रहा था, अबाउट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो सबसे पहले इस तरह की कंपनी यहाँ पर आई थी, आप देख ही सकते हैं, सच टेक सल्यूशन मोहाली की कंपनी है चंडीगढ़ की। और ये सभी कंपनियाँ विंडो आईटी मोहाली की कंपनी है, डीसीएम हिसार की कंपनी है, एक एस्कोट फरीदाबाद की कंपनी यहाँ पर आई थी, इंटरनेशनल ट्रैक्टर सोनालिका, ये पंजाब की जो कंपनियाँ हैं यहाँ पर आई थी इस पॉलिटेक्निकल में। यानी प्लेसमेंट अच्छा हुआ था, अबाउट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हमें मिल चुका है। यानी कि हमने टॉप 10 जितने भी पॉलिटेक्निकल बारे में आपको बताया है सभी की यहाँ पर आपको प्लेसमेंट भी दिखाई है, काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इस पॉलिटेक्निकल में आपका अगर नंबर पड़ जाता है तो आपका प्लेसमेंट भी अच्छी कंपनी में होगा, आपका सैलरी जो पैकेज रहेगा सालाना वो भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आ रही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है और आपकी अब ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी, तो आपका फर्स्ट ही काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाए या फिर आपको पसंद का कॉलेज मिल जाए या फिर आपको ट्रेड मिल जाए, वो मैंने डिस्कस किया है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप जरूर देखना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।